नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोंद के लड्डू की रेसिपी। सर्दियों के मौसम में गोंद के लड्डू खाना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, तो चलिए जानते हैं गोंद के लड्डू को कैसे बनाया जाता है। गोंद के लड्डू बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई, उसमें हम पहले डालेंगे घी। मैं यहाँ करीबन 250 ग्राम घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर आगे बताऊँगी कि कैसे किसको क्या इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है गोंद, ये बारीक वाला गोंद है। घी हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें हम गोंद डालेंगे। आप देख सकते हो गोंद फूल जाएगा, मात्रा में डबल हो जाएगा और चटकने की इसमें से आवाज़ आएगी। तब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। मैं यहाँ थाली में निकाल रही हूँ। गैस की आँच हम धीमी रखेंगे, मतलब घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ गोंद हमारा जल सकता है। बचे हुए गोंद को भी हम फ्राई कर लेंगे। करीबन ये 200 ग्राम गोंद है। सारे गोंद को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बादाम। करीबन 200 ग्राम ही मैं बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे, मतलब जब तक बादाम से चटकने की आवाज़ आए तब तक ही हमें भूनना है। गैस की आज हम धीमी रखेंगे, बादाम भी जलने नहीं चाहिए। बादाम में से चटकने की आवाज़ आने लगी है, गैस को हम बंद कर देंगे और इसे भी किसी बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब बचे हुए घी में हम डालेंगे थोड़ा सा घी और, ये करीबन 250 ग्राम घी है टोटल मिला के। कढ़ाई में अभी 250 ग्राम घी है। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ करीबन 300 ग्राम आटा। अब ड्राई फ्रूट्स की मात्रा और गोंद की मात्रा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आटा मैंने 300 ग्राम लिया है, उसमें हम 250 ग्राम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी मात्रा भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। इसे हम अच्छे से भुनेंगे। जैसे हम आटे का हलवा बनाने के लिए आटे को भूनते हैं, वैसे ही आटे को भूनना है हमें कलर चेंज होने तक। आटा हमारा अच्छे से भून चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे और कंटिन्यूसली इसे हम दो से तीन मिनट के लिए चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो आटा हमारा जल सकता है। और इसे किसी हम बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि आटा अच्छे से ठंडा हो जाए। मैंने ली है एक बड़ी परात, इसमें हम आटे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। सावधानी से करें, काफ़ी गर्म होता है आटा, और इसे हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जो बादाम हमने फ्राई करके रखे थे उसे मिक्सर जार में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे दरदरा पीस कर हम तैयार कर लेंगे। बादाम को हमने पीस लिया है, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह है। अब मैंने लिया है एक खोपरा, जिसे गट भी कहते हैं। इसे हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहो तो छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर ग्राइंडर में भी घुमा सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप कर सकते हो। मैं यहाँ ग्रेट कर रही हूँ, एक खोपरे को मैंने ग्रेट कर लिया है। आटा हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जो ग्रेट करके हमने खोपरा रखा था, उसको सारे एक बार में नहीं डाल रही हूँ, बैचेस में डाल रही हूँ। बादाम भी डालेंगे। अब हम गोंद डाल देंगे। एक बार मैंने सारा नहीं डाला है, मिक्स करके देखेंगे। अगर घी की आवश्यकता पड़ेगी तो हम घी को इस्तेमाल करेंगे। 300 ग्राम मैंने आटा लिया था, तो मैं 250 ग्राम यहाँ देसी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी जिसको बूरा कहते हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल चीनी को पीस कर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और चाहो तो गुड़ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने मिक्स करके देखा, मुझे घी की आवश्यकता नहीं लग रही है, तो बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और गोंद है जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि लड्डू बांधने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आए तो थोड़ा सा आप घी इस पर ऐड कर सकते हो। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। हमने केवल 300 ग्राम ही आटा लिया था, देख सकते हो सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करने के बाद क्वांटिटी कितनी हो गई है। दोनों हाथों से रब करेंगे। ध्यान रखें गोंद ज़्यादा क्रश ना हो, ताकि खाने में बाइट आनी चाहिए गोंद की। लड्डू बांधकर देख लेते हैं, लड्डू अच्छे से बंध रहा है, हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जितना बड़ा लड्डू आपको बनाना हो
उस साइज़ का आप लड्डू बना लें। मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं। एक लड्डू हमारा बनके तैयार है। मैं आपको एक दो लड्डू और बना के दिखाती हूँ। आराम से ये बंध रहे हैं। बस इसी तरह से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। ये लड्डू बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार है। इसे हम किसी एयर टाइट डब्बे में करीबन 15 से 20 दिन आराम से खा सकते हैं। लेकिन हमने गट का इस्तेमाल किया, यानी खोपरे का इस्तेमाल किया है, उससे ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल ना करें। ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। आशा करती हूँ गोंद के लड्डू की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उसके साथ साथ व्यस्त भी रहें।